Show me your happy face. Show me your angry face. Oh God. Show me your surprised face. Show me your thinking face. Ah, show me your hungry face. Oh, hi guys, good morning. आज है 25th of March और हम सब करंटली एक लॉकडाउन सिचुएशन में है. सब कोई घर पे है जैसे कि आप जानते ही हो. वैसे तो हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं मैं और निशित दोनों ही, लेकिन आज मेरी छुट्टी है तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ हमारे पूरे दिन का रूटीन. अथर्व के साथ हम क्या करते हैं और कैसे उसको एंगेज रखते हैं, क्या खाता है, उसका फूड रूटीन क्या है, एक्सेट्रा. तो अभी सुबह के अराउंड 8 बजे है. अथर्व अभी सो रहा है. यूजुअली आजकल वो लेट ही उठ रहा है अराउंड 9:30 और हम लोग भी उसको सोने देते हैं बिकॉज उसके उठने से पहले हमको घर का सारा काम फिनिश करना होता है बिटवीन मी एंड निशित. हम लोग अकेले ही रहते हैं तो इट्स जस्ट मी, निशित एंड अथर्व. तो मैं और निशित मिल बांट के सारा काम कर लेते हैं. हमने ऐसा कुछ डिवाइड नहीं किया हुआ है कि ये निशित करेगा या ये मैं करूँगी, लेकिन जैसे भी टाइम परमिट करता है या जिसमें उस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी होती है या अथर्व के साथ जो ऑक्यूपाइड नहीं है वो उस टाइम पे काम करता है. दैट्स हाउ वी आर ऑपरेटिंग. तो अभी निशित झाड़ू लगा रहा है, मैंने अभी अभी आटा बना दिया है, सब्जी काट ली है और अब मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी एंड बाय दैट टाइम आई थिंक अथर्व के उठने का टाइम हो जाएगा. तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट और हमारा पूरे दिन का रूटीन शुरू करेंगे. इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में शेयर करूंगी. फर्स्ट पार्ट में मैं शेयर करूंगी हमारा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन और सेकेंड पार्ट में मैं शेयर करूंगी हमारा इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन, ताकि सारी डिटेल्स अच्छे से कवर हो जाए. और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट. अभी हम सब ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट टाइम्स के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो लोग यू नो डेली वेज अर्नर्स है, यानी जो हर दिन अपने घर के लिए कमा के जाते हैं वापस, उनकी हालत सबसे ज़्यादा बुरी है क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है. तो बहुत सारे ऐसे NGOs है, प्राइम मिनिस्टर ने भी एक रिलीफ फंड शुरू किया है जिसके अंदर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो यूज़ होगा इन सब लोगों के लिए. एंड आई थिंक वी ओव इट टू देम एज अ सोसाइटी, क्योंकि ये बहुत बुरा टाइम है और पता नहीं कब तक चलने वाला है. तो आपका जो एक छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये कैन ऑल्सो एक्चुअली फीड अ फैमिली एक दिन ही सही. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग सब अभी इस टाइम पे यू नो थोड़ा सा दिल खोल के अच्छे से डोनेट करें. जहाँ भी आप कंफर्टेबल है वहाँ करें. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डिटेल्स शेयर किए हैं ऑफ वेयर ऑल कैन यू डोनेट और कहाँ कहाँ आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. आप चाहे तो मेरी स्टोरी हाइलाइट्स में जाके वो भी देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ कम टुगेदर एंड डोनेट एंड गिव टू द सोसाइटी एट दिस टाइम. इससे बड़ा और इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता. दैट्स माई ओनली रिक्वेस्ट. चलिए अब विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कल ड्रीम आया था अथु को? क्या आया था ड्रीम में? सेंटा क्लॉज. क्या बोला? तो उठने के बाद अथर्व ऐसे ही पहले कुछ देर के लिए लेज अराउंड करता है और फिर ब्रश करके रेडी हो जाता है अपने पहले मॉर्निंग स्नैक के लिए. यूजुअली इस टाइम पे हम उसे कोई फ्रूट जैसे कि बनाना या एप्पल देते हैं या फिर कोई जूस देते हैं. आज वो अपने पापा के साथ बना रहा है अपना फेवरेट ऑरेंज जूस. पानी तो कभी एक सिप में इतना नहीं पीते तुम. टेस्टी होता है तो कैसे बोलते हो? तो जब तक अथर्व अपना जूस पी रहा है मैं उसके लिए बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट. इस टाइम पे हम ब्रेकफास्ट बहुत ही सिंपल रखते हैं तो मैं उसके लिए बना रही हूँ एक पराठा और साथ में उसको देंगे हम हनी. जैसे कि आप जानते हो हनी में बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है तो यूजुअली हम दिन में 1 चम्मच हनी किसी ना किसी तरीके से उसको देने की कोशिश करते हैं. कुछ डेंजरस तो नहीं है? टच करो तो. ये तो स्नेक जैसा लग रहा है. इज इट अ स्नेक?
तो व्हाट इज इट? स्नेकी टेल है। ओ ब्रेकफास्ट के बाद यूजुअली होता है उसका पार्क टाइम, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते वो घर में ही कुछ भागा भागी वाला गेम खेलता है एंड ही मेक्स अप फॉर हिज पार्क टाइम। ओ एक्सीडेंट, ट्रिंक ट्रिंक कर दो बीच में। ओ स्टंटमैन, इसके बाद हम लोग करते हैं कुछ सिट डाउन एक्टिविटीज़। क्योंकि अभी स्कूल नहीं चल रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि घर पे ही किसी ना किसी तरीके से अथर को अल्फाबेट्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ें फन तरीके से सिखाए। फॉरेस्ट, फिशिंग रॉड, ऑल स्टार्ट विद द लेटर F। कैसा होता है लेटर F? देखो देखो देखो, वैसे बोलो जल्दी से F बनवा देगी, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा। कहाँ है क्रेयॉन? नीचे। देखो एक स्टैंडिंग लाइन, फिर उस पे एक स्लीपिंग लाइन और एक बीच में भी स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया? F। फाइव हाई फाइव। अब ये लोग जब तक खेल रहे हैं मैं फटाफट से घर का बाकी का काम कर लूँगी। बहुत सारा काम है, घी बनाना है, खाना बनाना है, हालांकि सब्जी और आटा कर दिया है तो आई थिंक ज़्यादा नहीं कुछ बनना। ये टाइम स्पेशली बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि अदरवाइज बच्चों का स्कूल होता है, नीचे पार्क में खेलने जाते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, अभी ये सब कुछ बंद है और उनके लिए ये समझना भी बहुत मुश्किल है कि ये सब क्यों बंद है। तो इसलिए वो ज़्यादा क्रैंकी, रेस्टलेस ये सब हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे हम थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए उनके तरफ। मैं और निशित कोशिश करते हैं कि बारी बारी से अथर्व के साथ इन्वॉल्व रहे कोई ना कोई एक्टिविटी में, ताकि वो बोर ना हो जाए या क्रैंकी ना हो जाए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी करना है, सफाई भी है, खाना बनाना भी है, बर्तन भी करने हैं, सब कुछ खुद करना है। प्लस ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चे भी ऑक्यूपाइड रहे और अच्छे से एंगेज रहे। सो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम और प्रोबेबली अभी नेक्स्ट 21 डेज भी डिक्लेयर हो गया है कि लॉकडाउन होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल ट्रिकी। हम लोग भी वी आर टेकिंग वन डे एट अ टाइम। आज थैंकफुली मेरी छुट्टी है तो मैं टाइम दे पा रही हूँ अथर्व को। निशित इज स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम, बट वही है कि सब कुछ शेयर करके हम लोग कर रहे हैं। निशित बहुत ही हैंड्स ऑन है थैंकफुली, तो घर का सारा काम है उसमें वो मेरी हेल्प करता है, तब भी मैनेज हो पा रहा है, अदरवाइज मैनेज नहीं हो पाता। तो अब मैंने घी बनाने रख दिया है और साथ ही में मैं सब्ज़ी भी चढ़ा दे रही हूँ, ताकि इसके बाद जब तक सब्ज़ी बने तब तक मैं अथर्व को एक्सक्लूसिव टाइम दे पाऊँ। थोड़ी देर अथर्व के साथ पेंटिंग करके फिर मैं उसे अकेले पेंटिंग करने दूंगी। हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज़ अथर्व को थोड़ी देर अकेले खेलने का भी टाइम दे। बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए अकेले खेलना सीखना, क्योंकि इससे वो लोग खुद अलग चीज़ें एक्सप्लोर करके अपने तरह से करना भी सीखते हैं, और दूसरा दे ऑल्सो लर्न टू एन्जॉय देयर ओन कंपनी विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये भी अच्छा लग रहा है, ये लगा दो। वाओ, ये तो कितना अच्छा कासल बन गया। इस कासल में कौन रहेगा? हाँ। तुम्हारे पास? मैंने रिसेंटली एक डिटेल्ड वीडियो किया था ऑन वेरियस इंडोर एक्टिविटी आइडियाज़ जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो एट दिस टाइम। मैं उस वीडियो की लिंक यहाँ छोड़ दूंगी, तो अगर आप चाहे तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब निश्चित गया अथर को नहलाने। मेरा घी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है, रोटी वो लोग जब नहा के आएंगे तब मैं गरम गरम बनाऊंगी।
तो अब जाके मैं थोड़ी देर बैठती हूँ. लेट्स सी, ये बन रहा है मेरा घी. ऑलमोस्ट हो गया. आई थिंक अनदर 5 मिनट्स एंड दिस विल बी रेडी. और ये हो गई है सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी. और घर की हालत लिटरली 5 मिनट में देखिए ये हो गई हालत. ये अथर का पेंटिंग. ये हम लोगों ने पॉटी सीट ऑर्डर की थी पिछले हफ्ते. मैंने सोचा कि अभी इस हफ्ते मैं अगर घर पे हूँ या वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो मैं अथर की पॉटी ट्रेनिंग शुरू करूँगी. अथर ऑलमोस्ट अब 2 years and 5 months यानी 2.5 साल का होने वाला है. आई नो बहुत सारे लोगों के हिसाब से थोड़ा सा ये लेट होगा पॉटी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विंटर्स चल रहे थे, फिर हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और हमारे डॉक्टर ने भी बोला था कि आइडियली पॉटी ट्रेनिंग 2 साल बाद और सुसु ट्रेनिंग 2.5 साल बाद करनी चाहिए. सो या अभी थॉट के ये करेंगे हम, टाइम मिलेगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना काम रह रहा है ना घर में कि हमको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा. यानी सुबह से मेरा अभी तक नहाने का नंबर भी नहीं आया. अभी अथर नहा लेगा, उसके बाद उसको खिला के सुला के फिर नहाने का नंबर आएगा मेरा. सो दैट्स हाउ बिजी थिंग्स आर. आई एम श्योर सबके साथ यही हाल है. तो लेट्स सी. अब जब तक अथर्व नहा के निशित के साथ अच्छे से रेडी हो जाता है तब तक मैं उसकी रोटी, उसका प्लेट प्रिपेयर करके रख दूँगी. उसने बीच में एक एप्पल भी खाया था मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह, जो मैं दिखाना भूल गई, लेकिन फिर भी इस टाइम तक उसे अच्छे से भूख लग जाती है. सो अब हम करेंगे फटाफट से लंच. ओ मेरे पेपा पिग, डू यू वॉन्ट टू ईट लंच? चले बेटा खाना खा ले, ये फिनिश करके आ जाओ. ओके कितना बचा है? 2 मिनट्स है ना? 2 मिनट्स देख के आ जाओगे? ओके ओके मम्मा आ जाए. ओके बाहर प्ले करने क्यों नहीं जा रहे कोई, पता है तुमको? क्योंकि कोरोना वायरस है. खाना खाने के बाद यूजुअली अथर्व कोई ना कोई बुक पढ़ता है या कोई पज़ल सॉल्व करता है. तब तक मैं फटाफट से अपना खाना फिनिश कर देती हूँ और उसके बाद मैं ले जाती हूँ उसको उसकी नैप के लिए. यूजुअली जो बर्तन होते हैं वो खाना बनाते टाइम साथ साथ में ही मैं क्लीन कर देती हूँ. उसके अलावा जो खाने के बर्तन होते हैं वो जब तक मैं अथर्व को सुला रही होती हूँ तब तक निश्चित साफ़ कर देता है. फाइनली अब बच गए हैं 4:15 और अब भी सोया है अथर्व 15-20 मिनट पहले. जब से उसका बाहर का पार्क टाइम और प्ले टाइम कम हुआ है पिछले 4-5 दिनों से, उसको सोने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है, सुबह भी शाम में भी. तो मैं ऑलमोस्ट 3:15 को उसको अंदर ले गई थी और अब जाके वो 4 बजे के आजू बाजू सोया है. एनीवेज अब मैं क्विक शार के लिए जाने वाली हूँ और उसके बाद मुझे थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करनी है. बाय द वे मैं फिर से थोड़ा सा वेट लूज़ करने का ट्राई कर रही हूँ और मैंने पूरे फर्स्ट वीक की अपनी जर्नी, क्या मैंने खाया और क्या रिजल्ट्स थे, वो फिल्म किया है. और बाय द टाइम ये वीडियो अप जाएगा आई थिंक वो वीडियो ऑलरेडी लाइव होगा. तो इनकेस आप इंटरेस्टेड हो और आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. आई ट्राई टू लिंक इट राइट हियर. और उसके बाद ऑलमोस्ट 6 बजे के आजूबाजू अथर्व उठेगा और फिर शुरू हो जाएगा हमारा नॉर्मल खेलना, उसको एंगेज करके रखना, एक्सेट्रा. सो या दैट्स इट. अब मैं आपको मिलती हूँ शाम में. बाय बाय.